ओके क्रेडिट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक सही आइडिया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही आइडियाज़ या फिर एक एप्रोप्रिएट आइडिया आपके बिजनेस के लिए आपको कहीं भी मिल जाएगा। सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा, कई किताबों में, बिजनेस की किताबों में मिल जाएगा, कहीं एक्सपर्ट से आप राय ले लेंगे। आप राय तो ले लेंगे लेकिन उस बिज़नेस को, उस आइडिया को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इतनी खतरनाक होती है कि 80% एंटरप्रेन्योर्स हार मान लेते हैं एक साल के अंदर अंदर कि भाई अब बिजनेस नहीं हो पाएगा। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम भी अपने बिजनेस में अपना सकते हैं और अपने बिजनेस को एक एस्टेब्लिश बिजनेस की कतार में खड़ा कर सकते हैं। देखिएगा वीडियो एंड तक, क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपको। ब्रांड मेकिंग के लिए मकसद जरूरी है। जब आप स्टार्टअप की तैयारी करें तो आपके पास खुद की तैयार की हुई प्लानिंग यानी आइडिया या उद्देश्य होना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार इस सोच के साथ जो स्टार्टअप की शुरुआत नहीं करते हैं उनसे 40% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यदि आइडिया और उद्देश्य खुद का नहीं है तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। किसी भी ब्रांड की मेकिंग से पहले आवश्यक है कि आइडिया खुद का हो ताकि रिसोर्स, फंड जनरेशन, कॉम्पिटिशन आदि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए। इनोवेशन सोच समझ कर करें। हम सब जानते हैं कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि कुछ ऐसा करें जो दूसरों से अलग हो, जो इनोवेटिव हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। क्या ऐसा सोचना सही है? सुनिए, नए प्रोडक्ट को जल्दी लाना स्टार्टअप के लिए सही नहीं है। मार्केट रिसर्च के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट की सफल या विफल होने का अंदाजा कम से कम साल भर में लगता है। इसलिए स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी में आप इनोवेशन करें लेकिन अपने प्राइमरी प्रोडक्ट या सर्विस में जल्द बदलाव ना करें। किसी काम से ज्यादा जल्दबाजी भी उसे पतन की ओर ले जाती है। कस्टमर की बात सुनना सबसे जरूरी। ज्यादातर लोग बिजनेस में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वो कस्टमर्स की बात को ध्यान से नहीं सुनते। एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो एक सप्ताह में कम से कम 10 कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, उनकी रिव्यू पर रिएक्ट करे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में कमेंट एवं रिव्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रयास करें कि कस्टमर्स की समस्या का समाधान हो। यदि कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस से खुश है तो उसके रिव्यू या कमेंट का प्रयोग आप मार्केट में कर सकते हैं। परफेक्शन के पीछे बेवजह ना दौड़ें। कम्युनिकेशन कई बार परफेक्शन को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इससे वो किसी एक सेगमेंट में अधिक बदलाव करते हैं या इन्वेस्टमेंट अधिक करते हैं। इसका असर स्टार्टअप के अन्य पर पड़ता है। प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करना जरूरी है लेकिन जो बजट प्लान के दौरान फिक्स किया था उसी के अनुसार खर्चा करें। वहीं एक्सपर्ट की राय भी समय समय पर लेते रहें। इसके अलावा सामान सेक्टर के बाकी स्टार्टअप की स्टडी करना भी जरूरी है। तो देखा आपने कौन कौन से ऐसे लूपहोल्स हैं जो आपके बिजनेस को डाउन कर सकते हैं। हम आपको समय समय पर यह जानकारी देते रहेंगे और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी बिजनेस से जुड़ी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का बिजनेस आपको शुरू करना है उसके लिए आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएं। मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, अपने बिजनेस का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।